नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। हम आपका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल SK बकेट लिस्ट में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाराष्ट्र के 5 ऐसी जगहों के बारे में जहां आप मानसून में अपने दोस्तों और परिवार के साथ जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है अम्बोली। सिंधुदुर्ग जिले में बसा अम्बोली ये किसी स्वप्न नगरी से कम नहीं। मानसून के समय तो यहाँ के नज़ारे देखने का अनुभव ही कुछ और है। अम्बोली में होने वाली भारी वर्षा के कारण इसको महाराष्ट्र का चेरापुंजी भी कहा जाता है। पहाड़ों से ऊपर जाते समय आपको बादलों में होने का एहसास होता है। अम्बोली ये बहुत से वन्य प्राणी और पक्षियों का घर है और इसीलिए इसे इको हॉटस्पॉट का दर्जा मिला है। वैसे तो अम्बोली में बहुत सारे वाटरफॉल है, पर यहाँ का बड़ा दबदबा ये पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण है। साथ ही थोड़ी दूरी पे बसा हिरण्यकेशी पार्वती मंदिर भी आपके मन को मोहित कर देगा। हिरण्य मतलब स्वर्ण और केशी यानी बाल। हिरण्यकेशी नदी का उगम भी यहीं से होता है। वहाँ से थोड़ी दूर जाओगे तो आपको कावलेश्वर पॉइंट देखने मिलेगा। यहाँ इतनी तेज हवा चलती है कि झरने से नीचे जाने वाला पानी फिर से ऊपर आता दिखाई देता है। दूसरी जगह है भंडारधरा। प्रवरा नदी के किनारे पे बसा हुआ भंडारधरा ये सह्याद्री घाटी के कई सारे हिल स्टेशनों में से एक है। यहाँ पे आप बारिश के समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीकेंड का आनंद उठाने के लिए जा सकते हैं। बारिश के समय यहाँ बहने वाली झरनों और नदियों के कारण यहाँ का वातावरण और भी प्रफुल्लित हो जाता है। पहाड़ों और जंगलों के बीच होने के कारण यहाँ की अर्थर लेक ये कैंपिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन जगह है। यहाँ पे आप नाइट कैंपिंग का भी मज़ा उठा सकते हैं। अर्थर लेक पे बने हुए ब्रिटिश कालीन विल्सन डैम की ऊंचाई और बनावट अपने आप में ही कमाल है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पे है 1200 साल पुराना अमृतेश्वर शिव मंदिर जो आपको पौराणिक समय की याद दिला देगा। तीसरी जगह है हरिश्चंद्रगढ़। आप में से जितने लोग ट्रैकिंग का शौक रखते हैं उन्होंने हरिश्चंद्रगढ़ का नाम तो सुना ही होगा। पहाड़ों में बसा ये पौराणिक किला आजकल ट्रैकिंग और नाइट कैंपिंग का आकर्षण बन गया है। ट्रैकिंग के रास्ते में आप यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव ले सकते हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थापित पौराणिक केदारेश्वर गुफा और सप्ततीर्थ पुष्करणी मंदिर का दर्शन लेते ही मानो सब थकान निकल जाती है। काले पत्थरों से बना ये मंदिर बारिश में हुए हरियाली के कारण और भी उभर के आता है। कोकण कड़ा यहाँ से नज़दीक होने के कारण बहुत से लोग यहाँ नाइट कैंप करने के लिए आते हैं। यहाँ आपको खुले आसमान में सितारों को देखने का मौका मिलता है। रोहिदास, तारामती और हरिश्चंद्र ये यहाँ के प्रसिद्ध शिखर है जहाँ तक हर ट्रैकर पहुँचने को उत्सुक रहता है। और कोकण कड़ा के किनारे से नीचे देखते समय तो सांसें रुक सी जाती है। चौथा प्लेस है तमिनी घाट। मानसून का मौसम शुरू हो जाती है परिवार और दोस्तों के साथ वीकेंड ट्रिप। ऐसे ही वीकेंड ट्रिप के लिए मशहूर है तमिनी घाट। पुणे से केवल 60 किलोमीटर की दूरी पे होने के कारण यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा ही रहता है। बारिश में तमिनी में जीवित होने वाले कई झरनों, झीलों और हरियाली के कारण यहाँ पे लोगों को आके समय बिताना बहुत ही पसंद है। तमिनी घाट के रास्ते में पड़ता है मुल्शी डैम जो एक बेहद खूबसूरत जगह है कैंपिंग और फैमिली पिकनिक के लिए। कई लोग तो अपनी गाड़ियाँ रास्ते के बाजू में लगा के निकल जाते हैं अपने परिवार के साथ पर्यावरण का मज़ा लेने। पांचवी जगह है रायगढ़। छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज्य की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध हुआ रायगढ़ आज कई शिव भक्तों के लिए तीर्थस्थल है। 820 मीटर की ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ तक पहुँचना भी किसी तपस्या से कम नहीं। ऊपर जाने के लिए करीब 1700 सीढ़ियाँ है वो आपको रायगढ़ के शिखर तक लेके जाती है। बारिश में ऊपर जाने वाला रास्ता छोटे छोटे झरनों के कारण बेहद खूबसूरत हो जाता है। ऊपर जाते ही आपको किले की भव्यता का अनुभव हो जाएगा। ऊपर कई चीज़ें देखने जैसी है जो आपको स्वराज्य के समय की अनुभूति कराएगी, जैसे कि जीजा माता का महल, पुराना बाजार, गंगा सागर तालाब। पर यहाँ की शिवाजी महाराज की समाधि और उनका भव्य स्मारक बहुत ही लोकप्रिय है। जगदीश्वर मंदिर में शिवजी का दर्शन भी आपको मंत्रमुग्ध कर देगा
और टकमक टुक से नीचे देखते ही रायगढ़ की ऊंचाई का पता चल जाता है। हाय, मैं हूँ श्वेता। और हाय, मैं हूँ कृष्णा। और आशा करते हैं आपको ये वाला वीडियो पसंद आया रहेगा। वैसे तो हमने ये चैनल अपने ट्रैवल वी ब्लॉग्स के लिए बनाया है, पर लॉकडाउन होने के कारण हमने सोचा कि हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की सीरीज करते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए। कोई सजेशन हो तो हमें कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करके प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। और ऐसी ही वीडियोज़ आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाय।